दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपके सामने लेबर लॉ से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय कोड ऑन वेजेस 2019 अर्थात 2019 के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतवर्ष में जो भी लेबर के कानून थे वो करीब 70 से 100 वर्ष पुराने थे। इनमें परिवर्तन करना आवश्यक था। इसी लाइन पर क्रूशियल चेंजेस लाने के लिए लेबर लॉज में उसे सिंप्लीफाई और मॉडर्नाइज करते हुए भारत शासन राज्य सरकार द्वारा संसद में लोकसभा और राज्यसभा में कोड ऑन वेजेस बिल 2019 पारित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि वर्कर्स को सही समय से बोनस, उनका वेजेस मिल सके। जबकि पूर्व में भारत में अनेकों तरह के कानून वेजेस के ऊपर थे, कॉन्करेंट लिस्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन की में सेंट्रल तथा स्टेट दोनों को वेजेस के बारे में कानून बनाने का अधिकार रहता है। इट इज़ नेसेसरी टू फिक्स ए मिनिमम वेजेस एंड बोनस। इसमें इन्होंने एक तो ट्राइपार्टाइट कमेटी बनाई है, जिसमें एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई और गवर्नमेंट के प्रतिनिधि रहेंगे, जो ये तय करेंगे कि कितना मिनिमम वेजेस होगा, तथा पुरुष और स्त्री में इक्वल रिम्यूनरेशन के तहत किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन की स्थिति रखी गई है, तथा टाइमली उनको पेमेंट ऑफ वेजेस और बोनस मिले। फ्लोर नेशनल लेवल पर फ्लोर वेजेस तय होगा, जिसमें राज्य सरकार उस नेशनल फ्लोर वेजेस से कम वेजेस वर्कमैन को नहीं दे सकती है। स्किल और पोटेंशियल वर्कर्स का देखते हुए नेशनल लेवल पर फ्लोर वेजेस तय किया जाएगा, जो हर 5 साल बाद एटलीस्ट रिवाइज किया जाएगा। इसका उद्देश्य यही है कि वर्कर्स को रोटी, कपड़ा और मकान, अर्थात उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, फूड, क्लॉथिंग और हाउस, उसकी पूर्ति हो सके। इस एक्ट कोड ऑन वेजेस बिल को लाने से एक तो एम्प्लॉयर्स को लेस कंप्लायंस करनी पड़ेगी, इजी उनका बिजनेस होगा। देश में ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को, सभी को कवर्ड किया गया है, जिसमें एग्रीकल्चर, घरों में काम करने वाले, ठेले वाले तथा अन्य प्रकार के जो भी वर्कमैन हैं, उस सबको कवर्ड किया गया है। पहले अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को इसमें कवर्ड नहीं किया गया था। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा यह महत्वपूर्ण परिवर्तन है कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को भी, सभी को कोड ऑन वेजेस का लाभ मिलेगा। कोड ऑन वेजेस जो बिल 2019 अर्थात 2019 बनाया गया है, इसके अंदर सबसे पहले पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 4 कोड्स को मर्ज किया गया है। 1936 मिनिमम वेजेस एक्ट, 1948 पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 तथा इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, इन 4 कोडों को रिप्लेस करते हुए और ये नया कोड ऑन वेजेस बिल बनाया गया है। 2019 में 12 अगस्त 2019 को ये पास हुआ था, तथा 1 नवंबर 2019 से इसे लागू किया गया। वेजेस कोड बिल के अलावा 3 अन्य बिल, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल 2020, हेल्थ एंड सेफ्टी बिल 2020 तथा इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट और सोशल सिक्योरिटी एक्ट, पूर्व में 2020 में मैं अलग से लॉ रिफॉर्म्स के आधार पर एक वीडियो बनाकर आपको बदला चुका हूँ। लेबर लॉज इतने एंशियंट और पुराने थे कि इनमें परिवर्तन लाना आवश्यक था। आज़ादी से पहले के एक्ट इजी ऑफ बिजनेस करने के लिए इनमें परिवर्तन होना आवश्यक था, क्योंकि पहले 40% वर्कर्स ही इस वेजेस के इसमें कवर्ड होते थे। अब करीब 50 करोड़ वर्कर्स को इसमें कवर्ड करने की व्यवस्था की गई है। सभी वर्कर्स इसमें कवर्ड होंगे। इसमें सबसे पहली बात यह है कि मैं कुछ परिभाषाएं भी आपको बताता हूं। जैसे वेजेस था, वो 12 एक्टों में अलग अलग वेजेस की परिभाषा दी गई थी, जिसमें 2000 तरह के वेजेस होते थे। अब उन्हें 300 वेजेस तक सीमित दिया गया है, अर्थात 12 जो डेफिनेशन वेजेस की थी उसको उन्होंने 300 वेजेस देकर कवर्ड किया गया है। अच्छा, एम्प्लॉय के लिए इन्होंने ये कहा है कि सभी प्रकार के एम्प्लॉयज में कवर्ड होंगे। आर्म्ड फोर्सेस के एम्प्लॉयज को केवल बाहर रखा गया है।
वेजेस की डेफिनेशन सिंगल होगी, जिसमें एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी यानी सभी प्रकार आसान भाषा में यदि कहा जाए तो जो भी पैसा उनको दिया जाता है वो वेजेस की डेफिनेशन में आएगा। वेजेस में बेसिक पे, डीए तथा रिटेनिंग अलाउंस इंक्लूड होगा। वेजेस के पार्ट कौन कौन से नहीं होंगे ये मैं आपको बतलाता हूँ। एलटीसी, पीएफ, कन्वेंस, एचआरए, बोनस, हाउस एकोमोडेशन, मेडिकल, ओवरटाइम, पीएफ, कमीशन, ट्रेवलिंग अलाउंस, ये सब वेजेस में कवर्ड नहीं माना गया है। इसके अलावा वर्कर्स में अप्रेंटिस को छोड़कर मैनेजर और सुपरवाइजर, एयरफोर्स आदि ये सब कवर्ड नहीं होंगे। तथा 15,000 रुपये तक जो वर्कमैन सैलरी पाता है वो इसमें कवर्ड माना जाएगा। 15,000 रुपये से ज़्यादा ड्रॉ करने वाले वर्कमैन को वर्कमैन की डेफिनेशन में कवर्ड नहीं माना गया है। सेक्शन 6 में एम्प्लॉय की डेफिनेशन दी गई है तथा एडिशनल हैजार्डस वर्क के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैनेजमेंट को अपने नियम तय करने के लिए बनाए जाने का अधिकार भी दिया गया है। मिनिमम वेजेज स्किल्ड और जियोग्राफी के आधार पर सरकार अपने वर्कमैन को किस कैटेगरी में मानता है मैनेजमेंट, इसका अधिकार उनको दे दिया गया है। फ्लोर वेजेज नेशनल लेवल पर राष्ट्रीय उस पर तय होगा, जिसे राज्य को भी मानना होगा, उससे कम मिनिमम वेजेज वर्कमैन को नहीं देना होगा। तथा वर्कमैन को पेमेंट चेक अथवा बैंक के माध्यम से ही किया जाएगा। इसमें एक और परिवर्तन है कि जो इंस्पेक्टर होते थे उन्हें इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर कहा जाएगा। पहले ये छह माह से लेकर 2 साल के अंदर केस वर्कमैन लगा सकता था, जिसकी समय सीमा बढ़ाकर अब 3 वर्ष तक कोई भी डिस्प्यूट होने पर वह इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के समक्ष अपने मामले को ले जा सकते हैं। क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेटिक कंट्री है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय 1992 में दिया था, जिसमें यह कहा था कि द कोड एक्नोलेजेस दैट द एम इज इन सेटिंग द फ्लोर वेजेस इज टू एंश्योर मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड फॉर वर्कर्स एंड द ड्राफ्ट रूल्स इनकॉर्पोरेट क्राइटेरिया डिक्लेयर्ड इन ए लैंडमार्क जजमेंट इन 1992। इस प्रकार फूड, क्लॉथिंग और हाउस, इनकी व्यवस्था अच्छे से वर्कमैन की हो सके, इसी उद्देश्य से कोड ऑन वेजेस बिल में उसे क्या वेजेस मिलेंगे इसकी व्यवस्था दी गई है। कितना बोनस मिलेगा, इकोनॉमी पे इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जियोग्राफिक एरिया के हिसाब से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसमें मिनिमम वेजेस को कम से कम 375 रुपये पर डे के हिसाब से रखा गया है तथा प्रतिमाह 9,750 रुपये यानी 9,750 पर मंथ के हिसाब से वेजेस वर्कमैन को प्राप्त होगा। इस प्रकार कुल मिलाकर जो कोड ऑन वेजेस बिल है वो सिंप्लीफाई और मॉडर्नाइज करते हुए यह क्रूशियल चेंज भारत सरकार द्वारा किया गया है, जिसमें 4 बिल पेमेंट ऑफ वेजेस, मिनिमम वेजेस, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट को रिप्लेस करते हुए यह बिल लाया गया है, जिसमें 44 लेबर लॉस को समेटते हुए 4 कोड अलग अलग बनाए गए हैं, जिनमें से ये एक ऐसा कोड है जिसमें 4 एक्टों को रिप्लेस किया गया है। इस प्रकार ये परिवर्तन समय समय पर आवश्यक था, जिसे 2019 में अधिनियम के द्वारा लाया गया। यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।